देश भर में कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने की तैयारियां हो चुकी है, जिसमें समूचे देश में 16 जनवरी को टीके लगाए जाने हैं। इसी क्रम में खरगोन जिला चिकित्सालय में भी टीके लगाने की कवायदें की जा रही है। आपको बता दें कि महामारी से लड़ने के बाद टीकाकरण पंक्ति ने खड़े अंतिम व्यक्ति की तर्ज पर सबसे पहले सफाई स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा, जिसके लिए विभाग ने कर्मियों का पंजीयन भी कर लिया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रथम चरण में 3,780 शासकीय और प्राइवेट सफाई कर्मियों को टीका लगाना प्रस्तावित है। शुक्रवार को पुराने अस्पताल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत गौरव बनेल, अपर कलेक्टर ML कनेल, CMO रजनीत डावर सहित पत्रकार मौजूद थे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हम लोगों के स्वास्थ्य विभाग के अमले को चिन्हांकित किया गया है, रजिस्टर किया गया है। उन लोगों में से अभी हमको 3700 लोगों के आसपास हिसाब से डोजेज मिले हैं, तो उन लोगों को कल से सुबह 9 बजे जिला अस्पताल में अभियान चलाकर वैक्सीनेट किया जाएगा। एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उसमें हमारी पूरी टीम लगेगी, चिकित्सा की टीम। एक टीम में 6 लोग हैं, 2 वैक्सीनेटर हैं, तो एक आदमी लगभग 50 लोगों को वैक्सीनेट करेगा। सर, किन लोगों को लगना है, कितनी उम्र के लोग? जैसा मैंने आपको बताया कि पहले चरण में उन लोगों को लगेगा जो कि चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। तो इस प्रकार के 9,500 लोग हैं, उन लोगों को प्रथम चरण में लगेगा। Subscribe now to most exciting channel ever.